वनडे सीरीज के लिए टीम पाकिस्तान में शामिल हुआ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से भी खतरनाक युवा ओपनर बल्लेबाज, जिसने अपने डेब्यू मुकाबले में ही ठोक डाले थे 547 रन। जी हां दोस्तों, आखिरकार कौन सा है वो धाकड़ खिलाड़ी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए हुआ है पाकिस्तान की टीम में शामिल और करता है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम से भी खतरनाक बल्लेबाजी। बताएंगे आपको उस धाकड़ ओपनर बल्लेबाज का नाम इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज खत्म हो चुकी है, अब इन दोनों टीमों के बीच हमें वनडे सीरीज में भिड़ंत होती हुई नजर आने वाली है। आपको बता दें कि T20 सीरीज के दौरान ही पाकिस्तान की वनडे स्क्वाड का भी ऐलान पहले ही कर दिया गया था, लेकिन टीम में अब एक ऐसे खतरनाक खिलाड़ी को शामिल कर लिया गया है जो अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए मशहूर है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत गुरुवार 27 अप्रैल से होने जा रही है, जहां दोनों ही टीमों के बीच पहला वनडे मुकाबला रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान की निगाहें पहले वनडे मुकाबले में ही जीत दर्ज कर 5 मैचों की वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड पर दबाव बनाने की होगी, जिसके लिए टीम में रातों रात एक खतरनाक बल्लेबाज को शामिल किया गया है जो अपने बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा देगा। दरअसल ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज अब्दुल्ला सफीक है। अब्दुल्ला सफीक ने हाल के दिनों में बेहतरीन बल्लेबाजी की है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाली वनडे सीरीज के लिए अब अब्दुल्ला सफीक को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जब वनडे सीरीज में अब्दुल्ला सफीक मैदान पर उतरेंगे तो वो टीम के लिए कैसा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि कहा जाता है कि अब्दुल्ला सफीक मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम से भी काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब्दुल्ला सफीक न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की कैसे खबर लेते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।